हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिकंदर कारपेंटर चैनल। आप देख सकते हैं डोर में लॉक कैसे लगाएं, बेडरूम डोर में लॉक कैसे लगाएं, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसमें आपको डिटेल मालूम चल जाएगा किस तरह से डोर में लॉक लगाना है, डबल हैंडल लॉक कैसे लगाना है, इसमें आपको डिटेल मालूम चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यूरोपा कंपनी का है लॉक, यूरोपा कंपनी का, और इसमें सभी फिटिंग दिया रहता है। आप देख सकते हैं इसमें आपको बाहर से कुछ लेना नहीं रहेगा, इसमें सभी फिटिंग दिया रहता है। आपको क्या क्या चाहिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये अपना हैंडल का बॉक्स है, इसमें आपको फिटिंग दिया रहता है। अभी आप देख सकते हैं ये हैंडल है, इसमें लेफ्ट राइट का हैंडल दिया रहता है, लेफ्ट में लगाने के लिए, राइट में लगाने के लिए दोनों तरफ दिया रहता है, अंदर बाहर दोनों लगाने के लिए। आप देख सकते हैं, और इसमें आपको सभी स्क्रू भी मिल जाएगा। ये चाबी के लिए है, सिलेंडर के सामने का लगाने के लिए। आपको वीडियो पूरा दिखाएंगे। अभी आप देख सकते हैं ये अपना फिटिंग है मशीन। आप देख सकते हैं ये मशीन है, इसमें आपको प्लेट मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये मशीन है, और इसमें एक पत्ती मिल जाएगा लॉक फंसाने के लिए। और इसमें आपको इसमें सिलेंडर आएगा, आप देख सकते हैं इसमें सिलेंडर मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसी तरह से सिलेंडर आपको मिलेगा, और इसमें चाबी भी मिल जाएगा। इसमें 3 चाबी दिया रहता है, आप देख सकते हैं, और ये सिलेंडर है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अभी आप देख सकते हैं इसमें स्क्रू दिया है। इसमें आपको कोई भी सामान बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। और ब्रश में आप देख सकते हैं ब्रश कलर है, हैंडल और सभी ब्रश कलर है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आप देख सकते हैं इसमें पूरा आपको मटेरियल मिल जाएगा, सभी फिटिंग है। आपको इसमें स्क्रू लेना नहीं पड़ेगा। इसमें आपको लंकी भी मिल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। आपको जो चाबी जिधर लगेगा उसको 39 पे आपको मार्क कर लेना है, 39 पे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। ऐसे मार्किंग करके आपको गोनिया से उतार लेना है, मार्किंग गोनिया से मार्किंग उतार लेना है। और आपको जितना सिलेंडर का माप रहेगा, आप देख सकते हैं जितना सिलेंडर का माप रहेगा मोटाई, अब कितना मोटाई है वो आप मेजर टेप से चेक कर लें, और आपको उतना ही सेंटर में गैप छोड़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में जितना बचेगा, अभी 200 साइड में 200 उतारेगा दोनों तरफ, और बीच में आप होल कर सकते हैं। ये 18 mm बिट है, 18 mm बिट से आपको होल कर लेना है।
और जितना मशीन है मशीन से आधा इंच दो सूत करना है होल। आप देख सकते हैं होल हो गया। इसको आप फर्सी की मदद से आप इसको सफाई कर लें। वीडियो आप देखें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो लास्ट तक बने रहें। ये देख सकते हैं आप अपना होल हो गया। ये मशीन लगा लें और चेक कर लें। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, और इसी हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना है। जो प्लेट है उसका डोर के अंदर डोर के लेवल होना चाहिए। अभी इस हिसाब से मार्किंग कर लें और मशीन का मार्किंग कर लें जिधर चाबी आएगा। आप देख सकते हैं जिधर चाबी आएगा उसका भी मार्किंग कर लेते हैं। और जो हैंडल का मार्किंग है उसको भी कर लें। इसमें रोड आएगा, इसी हिसाब से मार्किंग कर लें। और ये 18 mm बीट से आप होल कर दें। आप चाहे तो दो होल कर सकते हैं नीचे ऊपर। अभी एक होल ऊपर कर सकते हैं और एक नीचे कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपको फिटिंग कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसी हिसाब से होल को थोड़ा चौड़ा कर लें, क्योंकि इसमें सिलेंडर बराबर आना चाहिए। ये दोनों तरफ से आपको होल कर लेना है, क्योंकि अगर एक तरफ से करेंगे तो लैमिनेट फट भी सकता है। फटने का चांस ज़्यादा रहेगा, इसके लिए दोनों तरफ से आप होल कर सकते हैं। इसमें आपको पत्ती गलाना है, पत्ती गला लेते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी हिसाब से आपको प्लेट को गला लें, क्योंकि डोर के लेवल आना चाहिए। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये पत्ती गल गया, और इसमें आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं। जैसे आपको लेफ्ट दरवाजा खोलना है तो लेफ्ट भी उसमें जो क्लिप है उसका लॉक है उसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से करना है। आपको लेफ्ट राइट दोनों कर सकते हैं। आपको लेफ्ट खोलना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, राइट को खोलना है तो राइट कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन दिया रहता है, और इसी हिसाब से आपको स्क्रू कस लेना है।
और आपको प्लेट कसना है तो आपको प्लेट फिर लेवल देख चेक कर लेना है बराबर आ रहा है नहीं, और इसको वापस खोल लें। वापस खोलने बाद ये जो अपना हैंडल का जो क्लिप है ये आप देख सकते हैं उसी हिसाब से मार्किंग कर लेना है, ये क्लिप है उसी हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना है ऊपर नीचे। आप चाहे तो साथ भी मार्किंग कर सकते हैं, साथ में मशीन लगाते समय मार्किंग कर लेना है, चाहे तो कभी अभी भी कर सकते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन रहता है। अभी आप देख सकते हैं ये 5 mm बिट से होल्ड कर लें, 5 mm बिट से या 5 mm या 6 mm बिट से होल्ड आप कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो होल दोनों तरफ हो गया। इसके बाद आपको क्लिप लगा लेना है, मशीन लगाने के बाद आप क्लिप लगा लेना है। इसमें स्क्रू दिया रहता है 1/4 inch का, आपको 1/4 inch लगेगा नहीं उसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नट बोल्ट टाइप का रोड दिया रहता है। इसके लिए आपको दोनों स्क्रू दोनों तरफ का स्क्रू आपको 1/2 inch रखना पड़ेगा, 1/2 inch छोटा, क्योंकि आपको स्क्रू अगर 1/4 inch का दोनों तरफ डालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आपको काटना पड़ेगा दोनों तरफ 1/2 inch रखना पड़ेगा, 1/2 inch कम रहेगा चलेगा, इसी हिसाब से आपको कस लेना है। आप देख सकते हैं ये आपको पूरा प्रॉपर वीडियो देखना है, प्रॉपर वीडियो देख जाएंगे तो आपको इस थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे लगाना है, आप आराम से इसको कस सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ऊपर का प्लेट लग गया, इसी हिसाब से आपको नीचे का भी लगा लेना है। आपको इसमें एलंकी दिया रहता है, एलंकी से उसका जो प्लेट है वो निकाल देते हैं। अभी आप देख सकते हैं अच्छी तरह से दोनों कसा गया, आप देख सकते हैं जैसे सिलेंडर है और इसका जो पीछे का है वो पहले सिलेंडर के अंदर डाल लेते हैं, क्योंकि बाद में पड़ता नहीं है इसके लिए। और इसमें एक स्क्रू दिया रहता है आप देख सकते हैं, इसको कसना पड़ेगा नहीं तो लॉक नहीं पकड़ेगा, इसके लिए आप देख सकते हैं इसको इसी हिसाब से कस लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं लॉक काम कर रहा है, एलंकी से आप इसको टाइट कर लें, एलंकी दिया रहता है उसको टाइट करने के लिए, इसी हिसाब से आपको टाइट कर लेना है, दोनों तरफ एलंकी का लॉक दिया रहता है।
सामने का जो क्लिप है आप देख सकते हैं, ये ब्रास में है, प्यारा सा कलर है, ब्रास में दिया हुआ है। ये दोनों तरफ आपको दिया रहता है एलंकी सिस्टम कसने के लिए। इसी हिसाब से आपको फिटिंग कर लेना है और आपको देख लेना है गैप बराबर होना चाहिए, सामने से टेढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए आप चाबी लग गया, आप देख सकते हैं आराम से लॉक खुल रहा है। अभी ऊपर का हैंडल लगा लेते हैं। जैसे कि इसमें रॉड दिया रहता है, इसमें छोटा भी लगता है बड़ा भी लगता है दरवाज़ा के हिसाब से। अभी आप देख सकते हैं इसमें हैंडल दोनों तरफ दिया रहता है, लेफ्ट राइट दोनों। अभी इसमें रॉड बड़ा है, इसको आपको काटना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं ये आधा इंच बड़ा है, अभी इसको कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद आएगा इसमें, देखिए ये कटिंग हो गया, ये आधा इंच कटिंग हो गया। किसी किसी में डोर में बड़ा आता है, दरवाज़ा बड़ा रहता है मोटा रहता है तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, नहीं तो उसको कटिंग करना पड़ता है। इसमें हैंडल लेफ्ट राइट दोनों तरफ दिया रहता है। अभी आप देख सकते हैं ये प्रॉपर आ गया, बैठ गया, देखिए हैंडल बराबर काम कर रहा है। अभी इसको इलंकी से टाइट कर लेते हैं। दोनों तरफ टाइट करें क्योंकि एक तरफ से थोड़ा बेंड हो जाता है, दोनों तरफ से टाइट रहता है तो थोड़ा मजबूती रहता है, इसके लिए दोनों तरफ से टाइट करें। इसी हिसाब से इसको भी टाइट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हैंडल ये थोड़ा ज़्यादा टाइट हो जाता था, हैंडल टाइट होने लगता है, ये थोड़ा टाइट हो गया है, इसी हिसाब से थोड़ा सा लूज कर लें। अभी आप देख सकते हैं एकदम फ्री हो गया, हैंडल फ्री हो गया आपको। इसी हिसाब से आपको फिटिंग कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, आप इसको फेविकोल लगा लेते हैं। फेविकोल लगाने के बाद मार्किंग कर लेना है, क्योंकि मार्किंग करने के लिए फेविकोल लगाना, चाहे कोई ब्लैक कलर है कुछ भी मार्किंग लगाने के लिए करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं ये अपना पताम है, ये पताम में मार्किंग होगा, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। इसी हिसाब से आपको बंद कर लेना है, बंद करने के बाद आप देख सकते हैं मार्किंग हो गया, ये मार्किंग हो गया आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं वाइट है, वाइट में इतना मालूम नहीं चला लेकिन मालूम चल रहा है। इसी हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना है और आपका जो पत्ती रहता है प्लेट दिया रहता है साइड लॉक के लिए, उसको आप रख के मार्किंग कर लें। इसी हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना है। हैंडल का मार्किंग अलग होता है और लॉक का जो है उसका अलग होता है।
इसी हिसाब से आपको मार्किंग कर लेना है। देखिए ये मार्किंग हो गया, ये दोनों बीच वाला उसको ये निकालना है। आपके पास 10 mm बिट रहे या 8 mm बिट रहे, दोनों आप यूज कर सकते हैं, 8 mm 10 mm दोनों, नहीं तो आप फर्सी से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मशीन से करेंगे तो बिट से थोड़ा जल्दी होता है। इसके लिए अभी इसको चौसी की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं अभी ये होल हो गया, आप देख सकते हैं होल हो गया। अभी दरवाज़ा बंद करेंगे, देखिए दरवाज़ा बंद हो गया और आप चाबी इसमें भी लगा सकते हैं। इसी हिसाब से आपको होल कर लेना है और ये पत्ती गलाया हुआ है, पत्ती उसका जो प्लेट है उसको भी गलाना पड़ता है क्योंकि लेवल नहीं रहता तो बराबर टच होने लगता है। इसके लिए आप उसको प्लेट को गलाना पड़ता है और इसमें 3 स्क्रू दिया रहता है कसने के लिए होल, एक बीच में दो ऊपर नीचे दिया रहता है, आप उसमें स्क्रू कस सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं स्क्रू कसा गया और आप दरवाज़ा बंद करके चेक कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो चाबी है, आप इसको बंद कर दे, देखिए आप बंद हो रहा है। अभी हमारा ये लॉक फिनिश हो गया, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।